ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चेयरमैन साहब ने बोलना और हमने एक और जो है ये प्रोसेस भी करना है डिस्ट्रीब्यूशन का, इस वक्त इसको लॉन्च करना है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक और चीज पे जरूर बात करूंगा। अभी हमारे मुल्क में इस वक्त मर्दमशुमारी चल रही है, डिजिटल मर्दमशुमारी है, टैबलेट्स पे लोग आ रहे हैं। पहले फेज में जो प्री फेज जो था एक सेल्फ इन्यूमरेशन का, यानी आप खुद जाके अपने कवायफ डाल सकते हैं वेबसाइट पे जाके ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की, वो चल रहा है और वो खत्म हो गया था, लेकिन उसको एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है जो हमें इतला दी है। और घर शुमारी का काम खत्म हो गया और अब मर्दम शुमारी का काम फर्स्ट फेज का शुरू है। जो ये एक हफ्ता एक्सटेंड हुआ है, मैं इस प्रोग्राम की मदद से, इसलिए कि इधर पूरे सिंध से लोग आए हुए, कराची से लेके कश्मीर तक के लोग यहां मौजूद हैं, मैं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वो सेल्फ इम्यूनेशन यानी अपने कवायफ खुद दाखिल करना वो करें। आप जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हैं, वो अपने वर्कर्स को एक्टिवेट करें कि वो लोगों को जाके असिस्ट करें। आजकल ये मोबाइल फोन स्मार्टफोन हर गांव में मौजूद है, वो कनेक्ट करके और लोगों की इंफॉर्मेशन दे जितने हद तक हो सके, पहले स्टेज पे ये करें। और उसके बाद जब ये मर्दमशुमारी का काम अभी चल रहा है, शुरू है, तो सारे लोग उसमें इंश्योर करें, उसमें पक्का करें कि ये लोग एंट्री इसमें हो। और मैंने चेयरमैन साहब की हिदायत पे वफाक को कहा भी, इसलिए कि इसमें मसले बहुत आ रहे हैं इस चीज में, जो डिजिटल सेंसस हो रहा है, अगर ये डिजिटल सेंसस सही तरीके से नहीं होता है